बाके बिहारी लाल की जय। सो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे परिवार, बहुत दिन बाद आज वो घड़ी आ गई है जिसका था हमें सबको इंतजार। हमारा बुलावा आ गया है और हमें गिरिराज जी भगवान ने बुलाया, बाके बिहारी लाल ने बुलाया हमें। हम जा रहे हैं एक ऐसी नगरी में जहाँ हमें साक्षात दर्शन होने वाले हैं भगवान कृष्ण के। सो आप हमारे साथ चलेंगे आज और आपको पूरी कोशिश करूंगा बहुत अच्छे से दर्शन कराने की, वहां पे परिक्रमा लगाने की, गोवर्धन परिक्रमा एक्चुअली हम जा रहे हैं तो वो परिक्रमा आपके साथ लगाने वाले। और मेरे साथ में आप जानते हैं मेरे भाई हैं छवि शर्मा जी, जय श्री राधे, विवेक शर्मा, राधे राधे, दीपक भाई, हरिबो हरिबो। दीपक भाई के सुबह सुबह मैसेज आते हैं जय श्री हरि कृष्ण, उसी से मेरी मॉर्निंग होती है और आज तो हमारी नाइट और मॉर्निंग साथ में होने वाली है। जय जय श्री राधे, जय बिहारी लाल की जय। तो चलते हैं यहाँ से, प्रस्थान करते हैं ठाकुर जी के चरणों में, अपने अर्घ्य लगाते हैं। जय हो राधे राधे। तो अभी सीन क्या हुआ मैं बताऊं, हमने डिसाइड करा कि क्योंकि ना मथुरा रोड से अगर हम जाते हैं ना तो वहाँ पे जाम मिलना ही मिलना था हर हालत में, तो हमने डिसाइड करा यमुना एक्सप्रेस वे से जाना। छवि, यमुना एक्सप्रेस वे आना सही रहा ना? हाँ बिल्कुल, फर्स्ट क्लास है ना, वहाँ पे हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं। तो हम टोल पे पहुँच गए हैं पहले यमुना एक्सप्रेस वे पे, अब आगे देखते। तो पहले टोल पे आ गए, अभी यहाँ से ज्यादा टाइम नहीं हो रही है। तो अभी जो है कालू और दीपक बाहर जाके जो है ठंडे मौसम के मजे ले रहे हैं और छवि अंदर गर्म मौसम के मजे कर रहा है। छवि के लिए आज कुछ मेरे स्पेशल है, भी मैं दिखाऊंगा इस टोल से निकलने के बाद। छवि तेरे लिए कुछ खास है, इस टोल से निकलने का दिखाऊंगा। तो मैं अभी आपको टोल पे बता रहा था कि मैंने कुछ ऐसी चीज ली हुई है जो कि मेरे अकेले के लिए तो नहीं, मैं तो नहीं खाता, बट छवि की वजह से मैंने गाड़ी में आज वो है। और छवि, कालू इसकी अनबॉक्सिंग कर, ये डब्बे पे मत जाना, मिंट का डब्बा है, इसके अंदर है कुछ और। कालू इसे खोल के दिखाओ। मेरा भाई मेरा बहुत ख्याल रखता है, बहुत ख्याल रखता हूँ, इसे खासी है। इसीलिए जो हमारे शर्मा जी हैं, इनका जो गैस विसर्जन का प्रोसेसर है वो बहुत ज्यादा तकड़े तरीके से चलता है। सुधुर सुधुर पादम मध्यम मध्यम पादम करके पादम है, मेरी आड़ में सारा काम कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं, इसकी आड़ में मैं सच्चाई बता दूं कि यार सबसे पहले गाड़ी में बैठते ही इसने कहा सनरूफ का आज सही यूज होने वाला, सनरूफ का सही यूज, ये नीचे से गैस निकालेगा और ऊपर से गैस बाहर जाएगी। ओह माय गॉड, हमें पड़तालीस कैसे करता है ये। पहले अपनी सर्दियों में अगर कोई भी इसके साथ सो गया, जैसे मैं एक बार साथ सोया था, तो मैं मुंह भर के सोता था, लेकिन कहता आज तेरे को जन्नत से ले आओ, इनने मेरा मुंह ढक दिया। शायद उसके बाद से मैं ही जानता हूँ मैं कभी मुंह ढका नहीं है। आज तक भी विवेक जो है आज तक भी उस बात से लेके सदमे में, अभी तक भी होश में नहीं हो पाया। मैं अकेला भी मुंह नहीं ढकता, मैंने उसको आज भी बोला है आज तू मेरे साथ ही रहेगा। अकेला भी नहीं ढकता, इतना खतरनाक वो मंजर था ना, ऐसा लग रहा था जैसे वो मंगल ग्रह की गैस हो, वो तो भी अच्छी होगी। अभी पता लगा मंदिर ना बंद होने का टाइम हो रहा है, तो इस टाइम ही हो रहा है, जल्दी पहुंच जाओ। तो भाई आओ फटाफट, इतनी दूर आए और दर्शन ना हो पाए, बड़ा दुख होगा। कालू भाग, जाने दे के पूछ तो ले, देख जल्दी पार्किंग डाला, देख चलो भाई पार्किंग। पूरी कोशिश है, सिर्फ यहाँ से 50 मीटर या 100 मीटर और है, ठंड ना हो जाए बस, बाकी बहरी जी के दर्शन हो जाए, मजा आ जाएगा। जय हो राधे राधे। पूरी कोशिश करी बट दर्शन नहीं हो पाए, चल फिर 15 मिनट लेट हो गया बेटा। पता लास्ट टाइम यहाँ पे 8:30 का था एंट्री का,
8:30 बजे मंदिर बंद हो जाता है और 9:45 बजे हम पहुँचे हैं बिकॉज ऑफ विवेक। इसने दिल्ली से ही टाइम लेट लगा दिया, पार्किंग में वेट कर रहे थे। खैर ऐसा कोई नहीं है, शायद बुलाते हैं तो दर्शन अपने हिसाब से करवाते हैं। वो कह रहे हैं कल आओ तसल्ली से दर्शन करना, पहले हम परिक्रमा कराएं गोवर्धन महाराज की, फिर इनके पास दोबारा आएंगे। हम कोशिश करेंगे, अभी तो हम यहाँ से निकलेंगे गोवर्धन, गोवर्धन में परिक्रमा लगेगी, उसके बाद वापसी मुंह से कर दो, फिर ट्राई करेंगे, कुछ तो करेंगे, दर्शन तो करके जाएंगे ना। बट अभी फिलहाल यहाँ से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, बंदर बहुत है, थोड़ा इनसे भी बचाना पड़ेगा। छवि भाई हमारा मिस हो गया, हम तीनों आए कहते ढूंढ रहे, छवि आया छवि आया, और सबसे ज्यादा चलाक भी है ना, गाड़ी में फोन जोड़ के आ गया कि वहाँ कैब गड़बड़ ना हो जाए, बट फाइनली मिल गया, दर्शन तो इसे मिल पाए, मंदिर के अंदर नहीं हो पाए। शायद बाकी बैर की यही इच्छा थी, दोबारा आना, दर्शन नहीं हुए, कोशिश करेंगे फिर दोबारा, कोशिश करेंगे दोबारा आएंगे और हम दर्शन करेंगे। जय श्री राधे, जय दर्शन तो ना हो पाए, बट टिक्की खा के और उसके बाद क्या था वो रबड़ी खा के जो मजा आया ना, वो उसमें अलग ही आनंद आ गया। अब यहाँ से निकलने का टाइम आ गया, बड़ा अफसोस हो रहा है कि हम अफसोस तो में दर्शन नहीं कर। अच्छा हम में से क्या हुआ, हम तो तीनों रह गए बाहर, छवि ने फिर भी एंट्री मार ली, और एंट्री मारने के बाद भी दर्शन तब भी ना हो पाए, दरवाजा पट है अंदर बंद। हाँ चलो, ये कृपा है या इच्छा है कहेंगे, ये सुबह फिर आएंगे, हम फिर आएंगे परिक्रमा लगाने के बाद, पूरी कोशिश रहेगी अगर शरीर ने साथ दिया तो फिर वापस। जय जय श्री राधे, तो भैया भगवान की आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से दर्शन जरूर नहीं हुए, लेकिन बहुत अच्छे से माथा टेका और बहुत अच्छे से जो प्रसाद खिलाया, उसके बाद अब सही समय आ गया यहाँ से निकलने का। मैंने कोशिश भी करी, दारा सिंह अंदर घुस गया था लेकिन अंदर भी पट बंद थे। अच्छा इसने चलाकी दिखाई, कोशिश तो कर ली अकेले चलाकी, सडनली गायब, और हम इसे ढूंढ रहे हैं। हाँ, मोबाइल लेके नहीं गया, मोबाइल गाड़ी में छोड़ के गायब, तीन तीन महीने जा रहा हूँ घूमने, कभी इधर ढूंढा कभी इधर, हम सब परेशान है। 20 मिनट इसका, 25 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा लगभग बाहर वेट करा इसका, उसके बाद आया बहुत देर से सामने से, कह रहा मैं तो मंदिर में घुस गया था, मैंने कहा सही है यार चलो दर्शन हो गए, कह रहा नहीं दर्शन नहीं हुए, सच्चाई बोली मैंने, दर्शन नहीं हुए, मंदिर के अंदर घुस गए थे, बट इसको दर्शन तब भी नहीं हो पाए, ठाकुर जी की कृपा है कि चारों आओ साथ में आओ, देखो साथ में दर्शन करो, अकेले कैसे दर्शन करो। बोला ना कि यार मैं अंदर घुस गया था तो सुना है ना, हम फेल हो गए, दुख बहुत होता है, लेकिन दोस्त पास हो जाए तो और दुख होता है। यहाँ तो दोस्त पास नहीं होता भैया, चालू दोस्त पास नहीं, दोस्त फर्स्ट हो जाता है। तो हम अच्छा दर्शन हो गए, कह रहे नहीं हुए, चलती कोई नहीं, दर्शन करेंगे साथ में अगर आशीर्वाद रहा तो। और अभी फिलहाल यहाँ से 1 घंटा 10 मिनट का रास्ता दिखा रहा है गोवर्धन का, फिलहाल यहाँ से गोवर्धन चलते हैं, बहुत अच्छा रास्ता आगे का भी, और बहुत अच्छा समय निकलने वाला है, अच्छे से परिक्रमा करेंगे, बहुत अच्छा वक्त निकालेंगे और मिलकर निकालेंगे और आपके साथ निकालेंगे। बोलो जय जय श्री राधे, गोवर्धन महाराज की जय। और अभी तक का अगर आप ब्लॉग देख चुके तो इसको जल्दी से लाइक कर दें, गोवर्धन के नाम पे लाइक कर दें, बाकी बिहारी के नाम पे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें शर्मा जी की खातिर, प्लीज प्लीज समझने, प्लीज गाइन का प्लीज समझ जाओ। जय हो श्री गोवर्धन महाराज की जय, जय हो गोवर्धन महाराज की जय। तो भैया अभी हम जो है गाड़ी पार्किंग में लगा दी और यहाँ से निकल रहे हैं परिक्रमा मार्ग की तरफ, पहले दानघाटी मंदिर में माथा टेकेंगे, उसके बाद परिक्रमा स्टार्ट होगी, आपको दिखाऊंगा कहाँ दानघाटी मंदिर है और कहाँ परिक्रमा स्टार्ट होती है। थोड़ा सा पार्किंग से मुश्किल से 100 किलोमीटर मंदिर है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं।
तो दोस्तों वृंदावन से हम आ चुके हैं गोवर्धन। गोवर्धन की परिक्रमा स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे लूंगा विदा, क्योंकि पूरी परिक्रमा आपको मैं पूरे अगले नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा। आज का व्लॉग यहीं समाप्त करता हूं। आपको आई होप आपको हमारी यात्रा अच्छी लगी होगी, दिल्ली से लेके वृंदावन और वृंदावन से गोवर्धन आने की। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको शेयर करना ना भूलें। आई होप मैं आगे आपको यात्रा बहुत अच्छे से दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। वेट करें मेरे नेक्स्ट वीडियो का, मेरे नेक्स्ट व्लॉग का। बहुत अच्छे से हम यात्रा से करने वाले हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।